परिक्रमा मार्ग में पुलिस को भिक्षुकों के शव पड़े हुए मिले थे, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने लूट व हत्या करने वाले अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त की गई ईंट के साथ गिरफ्तार किया। वृंदावन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 16 व 17 तारीख को मिले विक्षुब्ध के शव के मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपी को घटना में प्रयुक्त ईंट के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार 16 व 17 फरवरी की रात पुलिस को हरिनी कुंज के समीप एक साधु का शव मिला था, जिसके चेहरे व सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिस संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। इसी प्रकार 18 फरवरी को दो अन्य व्यक्ति घायल अवस्था में पुलिस को परिक्रमा मार्ग में मिले, जिनके शरीर पर गंभीर वार किए गए थे। पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जिसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस टीम गठित की, जिसमें वृंदावन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कामयाबी हासिल करते हुए भिक्षुकों के घायल कर लूट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ईंट व भिक्षुकों से लूटी गई 2000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली। पकड़े गए अभियुक्त ने पुलिस पूछताछ में अपना नाम अभय गिरी, पुत्र बलवीर सिंह, हाल निवासी स्थाई सीताराम की बगीची कालीदेव वृंदावन बताया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मामले का खुलासा करने वाली संयुक्त टीम को 25,000 रुपए की धनराशि से पुरस्कृत कर पीठ थपथपाई। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। देखिए, जनपद मथुरा के थाना वृंदावन में 16/17 की रात को एक व्यक्ति जो कि भिक्षु के रूप में था, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके ऊपर चोटों के निशान थे। प्रथम दृष्टिया ये लग रहा था कि किसी दुर्घटना के वश ये ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी और कोई तहरीर नहीं प्राप्त हो रही थी। तो उसका पोस्टमार्टम जो है वो कराया गया, जिसमें चोटों की पुष्टि हुई। इसी के बाद 18 तारीख को दो व्यक्तियों के ऊपर इसी तरह के चोटों के निशान मिले, जो कि हॉस्पिटल में अभी इलाज उनका चल रहा है। इसी तरह से 19 तारीख को भी एक व्यक्ति जो कि भिक्षु के रूप में था, ये चारों व्यक्ति भिक्षु थे यहाँ पे, उसके बॉडी के ऊपर भी चोटों के निशान मिले। जब ये सारी घटनाओं का आकलन किया गया तो एक पैटर्न समझ में आया कि डेली रात में भिक्षु जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर रह करके अपना गुजारा करते हैं, उनको कोई व्यक्ति जो है या कोई इस तरह का जो है जो इसको घायल कर रहा है और कोई उनके साथ वारदात कर दे रहा है। पूरा वृंदावन थाने और सीओ साहब की अध्यक्षता में जो टीम है उसके द्वारा इस पूरी घटना को चैलेंज के रूप में लिया गया। कई सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, सभी को इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का टास्क दिया गया और इन पूरी मेहनत के बाद एक व्यक्ति अभय गिरी नाम, जो खुद भी भिक्षु है और यहाँ पर कई सालों से दिल्ली से आकर के भीख मांगता है, वो प्रकाश में आया। सीसीटीवी कैमरा से इसकी पुष्टि हुई। ये व्यक्ति अपने साथी जो भिक्षु हैं, क्योंकि इसको नशे वगैरह की लत लग गई थी, उनसे पैसे लेने के बहाने और पैसा ना मिलने पर उनको घायल करने के बाद ऐसी घटनाएं कारित कर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति की, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, उसकी मृत्यु हो गई है और बाकी तीन जो हैं अलग अलग तिथियों में उनको घायल किया गया है, जो कि अभी क्रिटिकल हैं और हॉस्पिटल में अभी इलाज उनका चल रहा है। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड केस था और एक तरह के सीरियल किलर के रूप में ये व्यक्ति डेवलप कर रहा था और इसको बड़ी तत्परता से पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और आगे आने वाले दिनों में कई ऐसी घटनाएं जो इसके द्वारा घटनाएं कारित की जा सकती थी, ऐसी घटनाओं को रोका गया है। इस ऑलमोस्ट ब्लाइंड केस को बड़ी कम समय में वर्कआउट करने के लिए मेरे द्वारा इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाता है।